Good afternoon, students. In today's video class, we learn about expanded form. Expanded form यानी numbers को explain करके लिखना उनकी place value के साथ, ठीक है? So what is place value? How can you write the expanded form? So let's check यहाँ पर आप ये video देखेंगे 2 times, 3 times, 4 times, whatever, how many times you want to need. To watch this video, तो आप उतनी बार ये वीडियो को देखेंगे ध्यान से and do this exercises in your copy, okay? Complete the homework and do the exercise in copy. So let's watch the video of expanded form, okay? Students, in today's morning class we have learned about place value, है ना? आज सुबह हमने place value पढ़ी थी 4 digit, यहाँ 3 digit place value है. So let take a small revision of place value. Places are ones, tens and hundred. Okay? Places क्या क्या है? Ones, tens and hundred. और place value क्या होती है? When we call the number with their places. नंबर को उनकी प्लेस के साथ कॉल करते हैं. 5 in 1's place, सो वी कॉल इट 5. 2 in 10's place, सो वी कॉल इट 20. 3 in 100's place, सो वी कॉल इट 300. ओके, सो दीज आर द प्लेस वैल्यूज. 5, 20, 300 आर द प्लेस वैल्यूज अकॉर्डिंग टू देयर प्लेसेस, 1, 10 and 100. ओके, सो नाउ इफ यू टेक दिस रिविजन, अगर आपने रिवाइज कर लिया है, तो हम आज सीखेंगे एक्सपैंडेड फॉर्म. एक्सपैंडेड फॉर्म बताने से पहले मैंने प्लेस वैल्यू क्यों बताया, क्योंकि एक्सपैंडेड फॉर्म में हमें ये प्लेस वैल्यूज 5, 20 और 300, सच टाइप्स ऑफ प्लेस वैल्यू वी आर यूज्ड इन एक्सपैंडेड फॉर्म. सो लेट्स स्टार्ट एक्सपैंडेड फॉर्म विद स्मॉल एक्टिविटी. स्टूडेंट्स, ये जो नंबर है आप इसको क्या कॉल करोगे? आई एम राइटिंग, एक नंबर है, मैंने नंबर फॉर्म किया है 4, 3, 8. अगर आप इसको ज्वाइन करते हो तो क्या बोलोगे? 438. दिस इज अ नंबर 438. इफ आई वॉन्ट टू राइट द एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का हमें एक्सपैंडेड फॉर्म लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? एक्सपैंड करना मतलब फैलाना, एक्सप्लेन करना, समझाना. तो हम इन नंबर्स को उनकी प्लेस वैल्यू की हेल्प से समझाएंगे. 4 is in 100 place, so we have to write down 400. Plus 3 is in 10th place, so we write 30. Plus 8 is in 1's place, so we write 8. तो अब देखो expanded form कैसे बना है. 400 plus 30 plus 8. 438. Okay, this is the expanded form. And if we write the number like this, 438, दिस इज शॉर्ट फॉर्म. एक्सप्लेन करके लिख रहे हो आप इसको, विथ प्लेस वैल्यू के साथ एक्सप्लेन कर रहे हो, सो दिस इज अ एक्सपैंडेड फॉर्म. अगर हम सिर्फ नंबर्स को लिख रहे हैं, सो दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म. ओके, अंडरस्टूड? नाउ टेक वन मोर एग्जाम्पल. एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, 157. सो एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ 157 इज 100. So we have to write down here 100, 50 for the 50 and 7. लिखना कैसे है कॉपी में? 100 plus 50 plus 7. Okay, this is a expanded form. और इसी का opposite करेंगे तो this is a short form. 157. Okay, suppose 0 है. अगर आपकी 1's, 10's और 100 प्लेस में से किसी एक प्लेस पे 0 है, देन हाउ कैन यू राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म? लेट्स सी स्टूडेंट्स, दिस इज 640. ओके, 640. 640, नो नंबर इन 1's प्लेस, कोई 0 है 1's प्लेस पे. सो हम इसको कैसे लिख रहे हैं? 600 plus 40. ओके, सेम एज इफ देयर इज 0 इन 10th प्लेस. ये 1's प्लेस पे 0 है. अगर हमारे 10th प्लेस पे 0 है, द नंबर इज 503. सो हाउ कैन यू राइट दिस? 500 plus 3. ओके, आई होप यू एंजॉय दिस एक्टिविटी. आपको ये एक्टिविटी से समझ में आ गए होंगे कि नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखना है. सो द सेम थिंग वी राइट इन कॉपी. ओके, कॉपी में कैसे करना है, लेट्स सी.
सो स्टूडेंट्स, अभी जो एक्टिविटी में हमने एक्सपेंडेड फॉर्म देखा, सेम थिंग वी डन इन बोर्ड एंड यू हैव टू डन इन योर कॉपी. ओके, यू विल डन इन योर कॉपी. कैसे करना है देखो. क्वेश्चन है 435. वंस, टेंस, 100 प्लेसेस आर देयर. 435 लिखना कैसे है. 400 प्लस 30 प्लस 5. 435 सेम एज 150. सो हाउ कैन यू राइट. Once, tens, hundred are the places. 150. Okay. Suppose the number is 605. तब आप कैसे लिखोगे. एक method है 600 plus 5. या tens place पे 0 है. So you, आप ऐसे भी लिख सकते हो. You also write like this. 600 plus 0 in tens place. Then 5. 605. Both the method are correct. Okay. 911. 900. Plus 10 plus 1. Okay. Same. There are a few more questions you have to done yourself. ये questions आपको खुद करने हैं. ये question मैंने बताए हैं. ये 4 question और ये 5 question आप copy में note down करेंगे और उसके बाद इसको complete करेंगे. Okay. Thank you.